चर्च, आप जहाँ भी बैठे हैं, आपके कहीं पर भी बॉडी में प्रॉब्लम हो, आपका बैंक बैलेंस बेशक आपको लग रहा है नहीं चल रहा है, आज जब आप विश्वास के साथ अपने घर में आमीन बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, ऊंची आवाज से यहोवा की आप तारीफ करेंगे, तो मेरा परमेश्वर निश्चय आपको छुड़ाने वाला है आपके जीवन में। अभी आपने वचन में पढ़ा था कि लिखा था कि मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल नदियों में मैं जल को बहाऊंगा, यानी कि आज हर एक जगह पर ब्लेसिंग खुदा की ओर से उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तो स्पेशल आपको अपने फोन उठाने, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, आपके जो भी जानकार हैं सबको आज को आपको उनको कॉल करनी है, उनको मैसेज करना है व्हाट्सएप के द्वारा कि आज की मीटिंग को, आज के लाइव को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप टाइप करें, मेरा यहोवा जवाब देने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और स्पेशली आपके जो भी नज़दीक कोई बीमार होता है तो उसे ज़रूर खुदा का कलाम भेजा करें, ताकि मीटिंग को देखते देखते खुदाबंद परमेश्वर उसे चंगा करे, और अगर आप किसी की लाइफ को बचाएंगे तो खुदाबंद आपको डबल आशीषों के साथ ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। और साथ ही साथ जिनके जीवन में आज गवाही बने वो अपनी गवाहियों को शेयर करना ना भूलें। आपको स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जा रहा है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर एक अच्छी सी अपनी वीडियो बनाएं जहाँ पर कोई शोर ना हो और नाइस एक पीसफुल प्लेस हो जहाँ से आप अपनी गवाही को शेयर करें। आपको कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हैं और कैसे खुदा बनने आपकी लाइफ में काम किया, और जब भी महिमा करनी है कि परमेश्वर के दास को और खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। इस तरह से अपनी गवाही को शेयर करना, ताकि जब परमेश्वर आपकी गवाही के द्वारा लोगों का जीवन बदलेगा तो आपको खुद खुशी होगी, खुदा एक और गवाही मेरे जीवन में बना, खुदा दो गवाहियां मेरे जीवन में बना। तो अपनी गवाही को देना आप ना भूलें। साथ ही साथ आप जहाँ से भी आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जिस भी आप कंट्री में बैठे हो, जिस भी शहर में बैठे हो, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जहाँ कहीं से भी, दिल्ली से, कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, नेपाल से, कहीं से भी आज की मीटिंग को जब आप अटेंड कर रहे हैं, तो आपको अभी अपने दोस्तों कहना जाग जाओ, क्योंकि यहोवा आज हमारे बीच में, हमारे मध्य में उतर कर बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। साथ ही साथ अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करना नहीं भूल रहे हैं। आप जहाँ से भी आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, अपनी फ़ोटोज़ को, जो नंबर मैंने आपको टेस्ट मनी वाला दिखाया, सेम नंबर पर अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करना ना भूलें। मेरा परमेश्वर आशीष दे। अब समय है गवाहियों का, हम गवाहियों में जाएंगे कि जितने लोगों ने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, किसी ने ले हैंड करवाया, किसी ने अपॉइंटमेंट लिया, खुदा ने उनके जीवन में बड़े कामों को किया। आज आइए आप भी विश्वास करें कि मेरी गवाही आज खुदाबंद बनाने के लिए जा रहा है। चलते हैं गवाहियों की ओर, मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। मेरा नाम रोहन है और मैं MBA का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 5 महीने पहले ब्रेन में हेमरेज हुआ था। मेरी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। डॉक्टर्स ने कहा था कभी इसे 4 दिन के अंदर होश आता है तो ठीक है, वरना इसका ऑपरेशन करना पड़ सकता है, या कोमा में जा सकता है, या फिर बॉडी पैरालाइज हो सकती है। मेरी फैमिली ने विश्वास के साथ PBSM प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल किया, प्रार्थना करवाई। उसके बाद मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा डॉक्टर्स ने कहा था। मैं पूरी तरह चंगा हो गया। इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का, परमेश्वर ग्रास का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की। ऑनलाइन गवाही, इस बच्चे की गवाही को सुना। ये बच्चा MP से अपनी गवाही को शेयर कर रहा है कि इसे ब्रेन हैमरेज हो गया था और बहुत कंडीशन सीरियस थी, क्रिटिकल थी, लेकिन विश्वास किया, विश्वास के साथ प्रेयर करवाई, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज़ किया, भविष्यवाणी को रिसीव किया। पूरी फैमिली को पता था कि यदि यहोवा ने हमें एक नबी दिया है और अगर हम विश्वास करेंगे तो निश्चय यहोवा चंगाई को देगा। और आज आपके सामने बच्चे ने गवाही को दिया कि विश्वास किया, अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर का इस्तेमाल किया और खुदा बन ने क्या किया, चंगा किया यीशु मसीह के नाम में। यदि कोई आपके घर में भी बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी परमेश्वर पर विश्वास करके देखें, चर्च में आएँ और आकर आंसुओं के साथ एक बार विश्वास से प्रार्थना करें, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर का इस्तेमाल करें। निश्चय खुदाबंद आपको भी बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करने वाला यीशु मसीह के नाम है। परमेश्वर कहता है अनमोल तू चिंता न कर, परमेश्वर तेरे घर से हर एक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई ऋतु है ऑनलाइन चर्च में, खुदाबंद कहता है आपके घर में बहुत झगड़ा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरा शांति का आत्मा उतरने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप बेस्ट गवाही के साथ आने वाली हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर खुदाबंद आज, मैंने क्या बोला, हमारे मध्य में उतर कर काम करने वाला है। आप देखोगे आज अपने शत्रुओं को हारते हुए, अपनी बीमारियों को आपको छोड़कर जाते हुए आप देखेंगे, अपने घर में आज परमेश्वर की प्रेजेंस को आप देखेंगे। अब तक घर नहीं बना पाए, लेकिन आज की मीटिंग जब आप अटेंड करेंगे, आपके लिए घर बनाने के रास्ते भी यहोवा खुदाबंद खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आज हमें याकूब की तरह अपनी आशीष को छीनना है कि जब तक परमेश्वर तू मुझे आशीष ना देगा,
तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यानी जब तक आप आज लास्ट तक बने रहेंगे और जब तक परमेश्वर के साथ भविष्यवाणियां करेंगे, पहले नहीं सोना, जब तक मीटिंग फिनिश ना हो, जब तक आपको जागना है, आज याकूब की तरह एक बड़ी आशीष लेने के लिए आपको जागना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम जाएंगे अगली गवाही की ओर। मेरा परमेश्वर आशीष दे। आमीन। सारी कलिसिया को, पापा जी को, और मेरा ये बेटा गूंगा बहरा था, नहीं बोलता था, तो मैंने ऑनलाइन से पापा जी का वो देख रही थी यूट्यूब पर, फिर मैंने अपना अपॉइंटमेंट लिया इस बच्चे के लिए। गूंगे बोलने लग जाए यीशु मसीह के नाम में, बहरा सुनने लग जाए यीशु मसीह के नाम में। तो ये ऑइंटिंग तेल और वाटर लगाया और इसको सुनने लगा, बोलने लगा मेरा ये बच्चा। और सच में प्रभु हमारे महान है, उनकी विश्वास से, और आप सब अपॉइंटमेंट ले लो क्योंकि प्रभु हमारा सच्चा है। तो ये मेरा बेटा बोलने लगा और सुनने लगा और इसको चंगाई मिला। बहुत बड़ा धन्यवाद जय मसीह की। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की। ऑनलाइन चर्च, आपने इस गवाही को सुना। ये सिस्टर अपनी बेबी की गवाही दे रही थी, वो बच्चा बोलता नहीं था और परमेश्वर के दास ऑनलाइन चर्च में भविष्यवाणी कर रहे थे कि जो नहीं बोलता वो बोलने के लिए जा रहा है। सिस्टर ने प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए, साथ ही साथ स्पेशल परमेश्वर के दास से अपॉइंटमेंट ली और परमेश्वर के दास ने यानी प्रॉफिट जी ने स्पेशल प्रेयर की बेबी के लिए। आज वो बच्चा बोलने लगा है, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, एक बड़ी गवाही को बनाया। यदि आपकी लाइफ में काम, आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हो, नहीं बन रहा, आप दूर है, नहीं आ सकते, तो आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हो, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, अपॉइंटमेंट लेके परमेश्वर के दास से अपनी बात शेयर कर सकते हो। और क्योंकि जब भविष्यवक्ता हमारे बीच में है तो परमेश्वर हर एक बात आपको बताता है नबी के द्वारा, तो आपको चिंता नहीं करनी, आप ले हैंड करवा सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो स्पेशल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखो, हांगकांग में सिस्टर थी, स्पेशल अपॉइंटमेंट ली, भविष्यवाणी को रिसीव किया, आज खुदा ने इनके बेटे को चंगा किया। तो यहोवा आज आपको भी हर एक वो प्रॉब्लम से दूर करने के लिए सामर्थ्य है, यदि आज आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे एक नाम बोला, मुकेश, आप जॉब के लिए खुदा से प्रार्थना कर रहे हो कि आपको जॉब चाहिए, पवित्र आत्मा आपको जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रही, किसी का नाम योग्यता है ऑनलाइन चर्च में और आप अपने पेरेंट्स से स्कूटी के लिए बार बार बोल रहे हो कि मुझे स्कूटी लेके दें, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा होने के लिए जा रही है। हरप्रीत, ऑनलाइन चर्च में कोई हरप्रीत भी है, आपकी भी सेम है, आपको भी स्कूटी चाहिए, आप सिस्टर भी हैं, एक बच्चा भी है, तो खुदा बंदा आपको ब्लेस कर रहा है। आप टेस्ट मनी के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम नेक्स्ट गवाही की ओर जाएंगे। खुदा बंदा आपको आशीष दे। शोभा, प्रोफेट बिजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री फिजी से। मेरा टेस्टमनी यह है कि 17 सितंबर संडे को मैंने चर्च अटेंड किया था और पापा जी का लाइफ प्रोफेसी हुआ था कि मैं स्किन एलर्जी से आजाद होने जा रही हूँ। बेटे, तुम बड़े टाइम से बहुत सारी फाइनेंस को लेकर बहुत प्रॉब्लम में जा रही है, तो बार बार कह रही है कि शायद मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई नहीं है, कोई हेल्प नहीं है आपकी, पर कोई हेल्प नहीं कर रहा। परमेश्वर का आत्मा आज से तेरी हेल्प करेगा, तुझे गुड न्यूज़ देगा, तेरे जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा। मैं किसी इन्फेक्शन को देख रहा हूँ और उसी समय खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया और इंस्टेंट हीलिंग को पाया। मैं सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह को देना चाह रही हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। ऑनलाइन चर्च, अभी आपने इस गवाही को सुना, कितनी बड़ी गवाही है। आपने फोटो के अंदर अभी देखा कि परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन चर्च में, फिजी ब्रांच में, स्पेशल प्रेयर की, भविष्यवाणी की कि किसी को इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा। और अभी आपने देखा कि पूरा फूड जो था पूरा ख़राब हो रखा था इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन, अगर आप किसी भी ब्रांच के अंदर ऑनलाइन आते हैं, आपके शहर के नज़दीक जो भी प्रॉफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांचेज हैं, जब आप वहां पर आते हैं तो वही अभिषेक वहां पर काम करता है। इतनी दूर फिजी कहाँ है और जलंधर कहाँ है। मॉर्निंग में संडे को परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की और रिसीव किया ऑनलाइन चर्च के अंदर, खुदा ने चंगा किया। यदि आप भी अपनी लाइफ में परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो संडे आप घर प्लीज़ बिल्कुल ना रहें। आपके शहर में, आपकी सिटी में जो भी प्रॉफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांचेज हैं, आप वहाँ पर आएँ, यहोवा से मिलें और अपने लाइफ में परमेश्वर के कामों को देखें। यदि आप पंजाब से ही, हिमाचल, हरियाणा से हैं, तो आप मॉर्निंग में ताजपुर, जलंधर में आएँ और इवनिंग में आप चंडीगढ़ चर्च में आ सकते हैं और परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं। स्पेशली गुड न्यूज़ भी आपके लिए कि एवरी फ्राइडे आप लोगों के लिए ले हैंड की जाती है, बहुत से लोग आते हैं दूर दूर से।
लाइन लगी होती है गवाहियों की, इंस्टेंट गवाहियां बनती हैं जब परमेश्वर के दास हाथ रखते हैं लोगों के जीवन में। आपको दिखाई भी जाती है कि जिस पर हाथ रखा खुदा ने उसी घड़ी उसकी लाइफ में काम किया, चंगा किया, रसोली, गिल्टियां, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लोगों की खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आप स्क्रीन पर पोस्टर भी देख सकते हैं, कल फ्राइडे है, अगर आप दूर हैं तो रात के समय अभी ट्रेन लें और टिकट लें और जल्दी से पहुंचे, बाय एयर आए, बाय बस आए, बाय ट्रेन आए, या अपने व्हीकल में आए, आप टैक्सी करें, आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप भी अपनी लाइफ में अपने कामों को खुलवाना चाहते हैं तो आप भी फ्राइडे को स्पेशल जो ले हैंड है जो परमेश्वर के दास ही करते हैं, आप उसमें आएं और आकर जब आप शामिल होंगे उस प्रार्थना को ज्वाइन करेंगे, आप बदले हुए नजर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। तो हम जाएंगे नेक्स्ट गवाही की और गवाही को सुनेंगे, जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे, आमेन। मैं यूएसए से सुमन बोल रहा हूँ, खास में मैं नेपाल रहने वाला हूँ। 2023 फरवरी 12 तारीख में चंडीगढ़ में हुए संडे मीटिंग के जूम लाइव में पापा जी ने 3 हफ्ता का बाद बड़ी टेस्टिमनी बनेगी जहां पर हो डॉक्यूमेंट पक्की हो रहा है और परमेश्वर गुड न्यूज दे जा रहा है। आप मिरेकल मनी को देखेंगे, आप रिसीव करें, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उस वक्त मैंने टैक्स रिटर्न फाइल का डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था। सच में पापा जी ने जैसे प्रोफेसी किया था वैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट पक्का होकर मेरा बैंक अकाउंट में $8,839 का मिराकल मनी हो गया। इस सारा महिमा भक्ति और आदर यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें। ऑनलाइन चर्च, आपने गवाही को सुना कि ये ब्रदर नेपाल से अपनी गवाही को शेयर कर रहे थे कि परमेश्वर के दास ऑनलाइन चर्च के अंदर स्पेशली प्रेयर की कि आप मिराकल मनी के साथ ब्लेस होने के लिए जा रहे हो। नेपाल में ब्रदर ने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और खुदा ने मिराकल मनी के साथ ब्लेस किया। आज बहुत से विकी भैया आपके लिए परमेश्वर बोल रहा है, आपका नाम बोल के कि आपको इन दिनों में धन की जरूरत है, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। मनप्रीत, खुदा आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रोशनी, पवित्र आत्मा कह रहा है आप मुझे यूपी से देख रहे हो और कोई किसी का नाम ऐसे ऐसे बोलते हैं, संगीता आप ऑनलाइन चर्च में समय मुझे यूपी एमपी साइड से देख रहे हो, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है क्योंकि आप इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, खुदा मेरे जीवन में तो कुछ काम कर, आपको गुड न्यूज़ परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। और मैं आपको स्पेशल एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत से पास्टर्स हैं जो मीन्स हमारी मिनिस्ट्री से नहीं है, आउटसाइडर्स हैं, या बहुत से लोग हैं जो आपको कहते हैं पास्टर्स भी आइए मैं आपको प्रॉफिट जी से मिलवा दूंगा, और आप उन्हें क्या करते हो, आप उन्हें पैसे देते हो या फिर उनके कहने में आप आके कई बार क्या कर रहे हो, अपना नुकसान करते हो। ऐसा नहीं है, कोई भी पास्टर आपको प्रॉफिट जी से नहीं मिलवा सकता। आपको अगर परमेश्वर के दास से मिलना है, आपको इंक्वायरी नंबर स्क्रीन पर दिखाया जाता है बार बार। अगर आप पास्टर्स ही हैं तो भी आपके लिए भी, अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, आपको मिनिस्ट्री का जो नंबर एवरी जब लाइव होता है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है, आप अभी भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप पास्टर बनना चाहते हैं और आप हमें कांटेक्ट करें। और कोई पास्टर यदि आपको बोले कि मैं आपको प्रॉफिट जी से मिलवाऊंगा तो आप किसी की बातों में ना आएं, आप हमें कांटेक्ट करें, खुद हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपको इनवाइट करेगी और आप खुद परमेश्वर के दास से मिल सकते हो। और सेकंड गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि हम फिरोजपुर में परमेश्वर की बहुत बड़ी प्रार्थना सभा होने के लिए जा रही है, आप स्क्रीन पर पोस्टर भी देख सकते हैं। और इस प्रार्थना सभा स्पेशली आपके लिए है जो कि 31 अक्टूबर को होगी, मेरा परमेश्वर आशीष दे। और गुड न्यूज़ है रतिया वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, फाजिलका वालों के लिए, तो आप तैयारी में रहें, लोगों को भी बताएं कि ये प्रार्थना सभा सिंपल प्रार्थना सभा नहीं है। आप जैसे ही गेट पर पैर रखेंगे आप एक अभिषेक को अपनी लाइफ में बढ़ता हुआ, अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, तो आना ना भूलें। जितने भी रतिया वाली हमारी फैमिली है, जो हमारी राजस्थान की स्पेशली आपकी डिमांड रहती है कि आपके एरिया के नज़दीक प्रेयर मीटिंग नहीं होती, बड़ा क्रूसेड नहीं होता, बड़ी प्रार्थना सभा नहीं होती, ये स्पेशली आप ही के लिए है कि परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन दिया कि आप वहाँ पर जाके खुदा अपना बड़ा एक काम करना चाहता है अपने नबी के द्वारा, तो आप ज्वाइन करें ज़रूर मीटिंग को। फाजिलका वाले तैयार हो जाएं, फिरोजपुर वाले तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ी फायर के साथ उतरने वाला है वहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है जब आप आएंगे आप बदले हुए नजर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आइए हम नेक्स्ट गवाही की ओर जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आमीन। मैं राजस्थान से मंजू बोल रही हूँ और मैं होंगकोंग में काम करती हूँ। मेरा भांजा बहुत शराबी था तो पापा जी का मैं लाइव देख रही थी, तो पापा जी ने बोला जो भी नशे करते ए नाम वाले NRS नाम वाले आपके घर से शराब खत्म हो रहे, ड्रिंक का, नशे के शराब, बाहर जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम। तो मैंने
मैं रिसीव किया मेरे भांजे के लिए, तो उसका नशा एकदम छूट चुका है। और मैं सारे YouTube जितने भी चैनल में देखते जुड़े हुए वो देखे जरूर, जिसके भी बच्चे शराबी नशे हो वो सब ये पापा जी का लाइव देखे, सब नशे से आजाद हो जाए यीशु के नाम से। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। आपने इस गवाही को सुना कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करता है अपने नबी के द्वारा, कितनी बड़ी गवाही है। यदि आप भी विश्वास करते हैं तो खुदाबंद आज आपके लाइफ में भी बड़ी गवाहियों को बनाने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सिंपल परमेश्वर नहीं है, कोई छोटा परमेश्वर नहीं है, इस पूरी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। उसके मुंह में सामर्थ है, जो खुदा आज अपने नबी के द्वारा बोलेगा वो निश्चय आपकी लाइफ में भी पूरा होने वाला है। अभी लाइन में गवाहियाँ चल रही हैं, लाखों गवाहियाँ कि जब परमेश्वर के दास से लेहेंड करवाया लाखों लोगों ने गर्भ की आशीष को पाया, लाखों लोगों ने घर की आशीष को पाया। आप संडे भी गवाहियाँ सुनते हैं, घर नहीं बना सकते थे, काम नहीं खुल रहे थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास के पास आए, हाथ रख के प्रार्थना कराई, खुदा ने काम किया। आज भी वो जिंदा यहोवा यीशु मसीह के नाम से अपने नबी के द्वारा उनमें चलता फिरता नजर आता है खुदाबंद की हजूरी के अंदर। अगर आप विश्वास करते हैं आप जरूर आए, परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा, आपकी लाइफ में काम करेगा। और मैं स्पेशली आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब आप थर्सडे की मीटिंग में बैठते हैं तो एक बेस्ट बीज लेकर बैठा करें यीशु मसीह के नाम में। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में सबोदेशक की पुस्तक में लिखा, जब तू बीज बोए चाहे भोर को या इवनिंग को, दोनों समय खुदा ने हमें बोला है। प्रार्थना का बीज बोला है, अपने दान का बीज भी बोला है, आराधना का बीज बोला है, आपके दान का बीज भी बोला है। कि मॉर्निंग में इवनिंग में दोनों समय अपने बीज को उठा और किसी को ना बता, किसी के सामने आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक स्पेशल सीड थर्सडे को पकड़ कर अपने हाथ में बैठते हैं, संडे को एक स्पेशल बीज लेकर बैठते हैं। मैंने गवाही सुनी थी सिस्टर की, संडे को इतनी बड़ी गवाही सिस्टर ने दी कि डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, सीरियस कंडीशन थी बच्ची की, लेकिन जब बीज पकड़ा और बीज पकड़ के 3 दिन खुदा से मन्नत मांगी, रेगुलर 3 डेज बीज बोया बिना किसी को बताए, परमेश्वर ने उसी जैसे बीज को पकड़ा, मन्नत मांगी, खुदा ने चंगा कर दिया। आज आपका भी काम अगर नहीं हो रहा है, आप परमेश्वर से कमिटमेंट करें, आप किसी मनुष्य को दिखाने के लिए ना करें, आप खुदा की हजूरी में टेंट लेकर सेवा कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमें छतों की ज़रूरत है, तो वाइट कलर की, आप जितने जलंधर चर्च में आते हैं, चंडीगढ़ चर्च में आते हैं, तो वाइट कलर की छतें लेकर आएँ, कि हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर आशीष दे, आगे ठंड आ रही है तो हमें जल्दी से जल्दी परमेश्वर के भवन को भी बनाना है। लेकिन छोटा भवन नहीं है, बहुत करोड़ों रुपए का खर्चा है जो यहोवा खुदाबंद हमें प्रोवाइड करवाता है। यदि आप हाथ उठाएंगे, खुदा से मांगेंगे, निश्चय यहोवा आपको देगा, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं और आप क्या हैं, हूर और हारून की तरह पिल्लर हैं इस कलीसिया के यीशु मसीह के नाम में। तो आपको प्रार्थना कर दें, सर्दियों में हमें टेंट की ज़रूरत है, तो सब परमेश्वर के बेटे बेटियाँ टेंट लेकर आएँ, चेयर लेकर आएँ, कि कोई भी बेटा बेटी ज़मीन पर ना बैठे, क्योंकि चर्च बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और जब ग्रोथ करेगा तो आप भी ग्रोथ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आज खुदा से हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आज वो ऐसा अभिषेक हमारे ऊपर उतार कि आज आप जो मन्नत खुदा से मांगे वो आपकी लाइफ में खुदा पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए एक और गवाही को हम स्क्रीन पर देखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आमेन। मेरा नाम पूजा है, मैं उत्तराखंड रुद्रपुर से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाने हो चुके थे और मेरे गुप्त अंग में भी काफ़ी एलर्जी हो चुकी थी। मम्मी ने प्रेयर टावर पे प्रेयर करवाई और मैंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज़ किया। विश्वास से अब मेरे चेहरे के सारे दाने चले गए हैं और मेरे गुप्त अंग की एलर्जी भी ठीक हो चुकी है। सारी महिमा परमेश्वर।